ये समझ में आ गया सी के सी की वैल्यू कैसा आई, सी की वैल्यू डबल डिफरेंस है 8 के बराबर भाई, माइनस 3b5 तो डबल डिफरेंस किसके बराबर हुआ 2d के बराबर, इसमें कोई कंफ्यूजन है 2d तो 2d इक्वल टू 8 है तेरे को है a माइनस 3b5c कितना डिफरेंस d कितना डिफरेंस 2d तो 2d किसके इक्वल हुआ 5 के डिफरेंस तो 2d किसके इक्वल हुआ तो d का वैल्यू 4 अब d का वैल्यू 4 है तो 5 + c 5 + 4 कितना हो गया तो c का वैल्यू 9 तो दिक्कत अब चलिए लिखो नेक्स्ट If the pth term of an AP is Q, if the pth term of an AP is Q, pth term of an AP is Q, and qth term is P, pth term of an AP is Q, and qth term of an AP is P. क्यों नहीं लिख रहा आयुष? अरे यार कहाँ कौन से ख्यालों में वो खो रहा है? पीएट टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू, एंड क्यूएट टर्म इज पी, देन फाइंड द एनएट टर्म, ऑप्शंस पी प्लस क्यू प्लस एन, P plus Q minus N, P plus Q plus 2N, or P plus Q minus 2N. देखो होता क्या है कि यदि आप ये तो आपका जनरल प्रॉब्लम, कभी भी जनरल प्रॉब्लम आया है तो आप उसको वैल्यू लेके कर सकते हो, थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि भाई पीएट तो पी और क्यू लोगे तो थोड़ा सा सोल्व करने में दिक्कत आएगी। जैसे आपने बोला कोई सी भी टर्म, मैंने बोला थर्ड टर्म 5 है और फिफ्थ टर्म 3 है, यही तो बोल रहा हूँ, पीएट टर्म क्यू है, क्यूएट टर्म पी है, तो मतलब थर्ड टर्म 5 है, फाइव टर्म 3 है, तो मैंने बोला ए प्लस 2d 5, ए प्लस 4d 3, सबट्रैक्ट करो माइनस 2d इक्वल टू 2, तो डी का वैल्यू B का वैल्यू माइनस वन आ गया तो A का वैल्यू 7, अब P की वैल्यू निकाल लो, अब A और D आ गया आपका, मुझे क्या निकालनी है nth टर्म, तो nth टर्म क्या होगा, D कितना आ रहा, माइनस वन आ रहा, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं D आपका माइनस वन आ रहा है तो माइनस n प्लस, अब माइनस वन में क्या करें कि हमारी फर्स्ट टर्म कितनी है 7, तो क्या करें 8, ये समझ में आया क्या? ए इसमें रख के निकालो भाई, आपका डी कितना है माइनस वन, तो माइनस वन है एन, ये हमारा एनएट टर्म, यही बताया था मैंने स्टार्टिंग में, जो भी एन का मल्टीपल होता है वो क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है, तो माइनस वन है, अब माइनस वन में क्या करें कि आपका फर्स्ट टर्म आ जाए, 7 लाना है तो प्लस क्या करना पड़ेगा 8, अब आपका P क्या है 3 और Q क्या है 5, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूं P प्लस 5, आंसर कौन सा B, आंसर इज आपने बोला कोई सी भी जो आपकी इच्छा है, मैंने थर्ड टर्म 5 ले ली, फिफ्थ टर्म 3 ले ली, उससे A और D निकाल लिया, इसमें कोई दिक्कत, D की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारी माइनस वन, तो मैंने माइनस एन लिख दी एनएट टर्म, माइनस वन में क्या करें कि 7 आ गया 8, तो प्लस 8 कर दिया, ये आपकी एनएट टर्म होगी, 8 को मैंने क्या लिख दिया पी और क्यू के टर्म में 3 प्लस 1, तो ये आपका क्या है, ये आपका पी है, ये क्यू है,
माइनस तो आंसर कौन सा आ रहा है बी ऑप्शन। ऐसा आप कर सकते हो, जल्दी होगा, मैं मेथड बता रहा हूं लेकिन जल्दी होगा क्योंकि आप वैल्यू लेके करोगे तो जल्दी होगी, मेथड बता रहा हूं। मेथड देखो, ये टर्म क्यू है तो ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू, क्यू है टर्म पी है, ए प्लस क्यू माइनस वन डी इक्वल टू पी, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, काम वही कर रहे हैं, ऐसे कैंसिल हो गया, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है डी, तो पी माइनस वन माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस वन इक्वल टू क्यू माइनस पी, पी माइनस क्यू डी, यहां से माइनस कॉमन ले लोगे पी माइनस क्यू, तो डी की वैल्यू माइनस, अब डी का वैल्यू माइनस वन इसमें रख दो। मेथड कॉपी जरूर करना है, तो ए का वैल्यू आ गया पी प्लस क्यू माइनस वन, अब मुझे निकालना है nth टर्म, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए का वैल्यू है पी प्लस क्यू माइनस वन और डी का वैल्यू एन माइनस वन इंटू माइनस वन, तो वन से वन कैंसिल हो गया पी प्लस क्यू माइनस वन, ये हमारा इसका nth टर्म पी प्लस क्यू माइनस वन। This is the end. Go next. How many numbers between 500 to 1000 divisible by 7? By 500 से 1000 तक कितने number divisible by 7 होंगे? तो आप इसके लिए first term निकालो पहले। या तो एक काम और कर सकते हो आप, एक और तरीका है। लेकिन ये कभी कभी लगेगा। 1000 डिवाइड बाय 7 करो, 1 4 1 4 2, तो बेटा मेरे हिसाब से तो 71 नंबर है क्योंकि 500 से 1000 है, 100 से 500 भी इतने डिविजिबल होंगे 71, 500 डिवाइड बाय 7 करो, चलो तो डबल हो गया, तो आधे नंबर 500 तक 71 आएंगे तो 71 आएंगे, लेकिन ये कभी कभी लगेगा, ये तो अभी अपन को दिख गया कि 1 से 1000 तक निकालेंगे, ठीक है। अब इसको करने का तरीका ये होता है कि मेथड बता रहा हूँ, फर्स्ट टर्म आपने क्या बताया था
5024 और लास्ट नंबर 99994 जा रहा है क्या देखो? हाँ ठीक है 994 आ गया L। अब मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जो बहुत ज्यादा काम में आएगा। अच्छा डी तो 7 है ही। आप एल एन आपको यदि कभी निकालना है तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस प्लस ये यूज करो, बहुत ज्यादा काम में आएगा। लास्ट टर्म में सब फर्स्ट टर्म को हटा दो, जो कॉमन डिफरेंस है उससे डिवाइड कर दो और प्लस वन कर दो, देखो कितना लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस वन। क्या याद रखोगे? और ये बहुत ज्यादा काम में आएगा तुम्हारे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस वन। ये फॉर्मूला कहीं से नहीं निकला, इन्हें टर्म ऑफ एपीसी लगा, नहीं अप्रोक्सीमेट पूरा देंगे बेटा, ये तो प्रैक्टिस की बात है, जहां पर लगा सको। जैसे एन एट टर्म है, एन एट टर्म लगाने में आप ट्रिक यूज कर सकते हो, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है उसके लिए आप ट्रिक यूज कर ले रहे, ट्रिक नहीं है ये फॉर्मूला ही, ये ट्रिक नहीं है। वो तो तब लगेगी बेटा वन से लेकर थाउजेंड, 500 से 1000, तो 500 से 1000 के बीच में 500 नंबर आ रहे हैं, तो 500 500 भी नहीं जा रहा, 100 भी 1000 भी नहीं जा रहा, तो 500 डिवाइड बाय 7 कर दो, आपके उतने नंबर अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया। 71 पॉइंट समथिंग भूल जाओ, 71 आपके दिल में। यस नेक्स्ट इसके बाद लिखो ए 15 टाइम्स द 15 टर्म ऑफ एन एपी, 15th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 10 टाइम्स द 10th टर्म, 10th टर्म फाइंड 25th टर्म, आंसर इज जीरो। फिफ्टीन टाइम्स द 15 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 10 टाइम्स द 10 टर्म, तो हमें 25th टर्म निकालनी है, तो आंसर इज जीरो। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, 15 टाइम्स द 15 टर्म इज इक्वल टू 10 टाइम्स द 10 टर्म, तो 15 प्लस 10 कितना हो गया बेटा 25th टर्म हमेशा जीरो है, ये प्रॉपर्टी होती है। मतलब m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, तो बेटा m प्लस n टर्म क्या होगी जीरो, ये प्रॉपर्टी होती है। m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, तो m प्लस n टर्म हमेशा जीरो के इक्वल होगी। तो कभी भी ऐसे बोला है 17 टाइम द 17 टर्म इक्वल टू 18 टाइम द 18 टर्म, कौन सी टर्म जीरो होगी? 35 टर्म जीरो। क्लियर है सभी को? आप निकाल के देखेंगे तो भी यही आएगा, इसलिए निकालने की जरूरत नहीं है।
बताओ आया हुआ प्रॉब्लम बताना सबको पड़ेगा बेटा क्योंकि बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले एबीसी आर एन एपी तो ए माइनस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी गलत नहीं बोलेंगे कोई भी पहले सोच लो आराम से क्या लिखवाया था एबीसी एपी में तो क्या लिखवाया था तो बताओ ना सीधा सीधा आतो रहा तू भी कहां से आएगा बेटा बी आएगा अरे आपने बोला टू बी इक्वल टू तो ए प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई बेटा अब ये ऐसी प्रॉब्लम तो करनी पड़ेगी ना अब इसमें मैं क्या बताऊं ए प्लस सी किसके इक्वल है टू बी के इक्वल है तो टू बी माइनस बी बी के इक्वल है देखो आई प्रॉब्लम How many terms are there in the sequence? In the sequence 3, 6, 9, 12 and so on, 111. कितने number, कितने terms हैं इस sequence में? अभी trick बताई थी, मतलब formula बताया था, बताओ. हाँ वो रहा. 37, 11 माइनस 3 कितना हो गया 111 माइनस 3 108 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 111 माइनस 3 37 ही आ रहा और वैसे तो ये 3 के मल्टीपल चल रहे हैं तो 37 टाइम्स लेकिन फिर भी मेथड लगाया अपन तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1 तो 36 प्लस 1 इक्वल टू 37 ये क्या आ गया नंबर ऑफ टर्म्स लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस ये क्या हो गया आपका 36 प्लस 1 क्लियर In an AP, PN represents the nth term of AP. PN represents the nth term of AP. If P7 is to P10. Equal to 5 is to 7. Find T8 is to T11. मुझे TN किसको रिप्रेजेंट कर रहा है nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है T7 और T10 का रेशो कितना है 5 is to 7. T7 और T10 का रेशो कितना है 5 is to 7. बोलो T7 अपॉन ए प्लस इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2a इक्वल टू कितना हो गया मतलब a का वैल्यू 1.5d आ गया a का वैल्यू कितना हो गया 1.5d कोई दिक्कत अब मुझे निकालना क्या है t8 इज टू बोलो t8 A plus A की वैल्यू कितना हो गया 8.5D अपॉन 11.5D इसको सोल्व करोगे तो 5 से कैंसिल हो रहा 5 17 23 सो व्हाट इज द रेशियो
17:23, ये इसका रेशियो आ गया। सो द रेशियो इज 17:23। क्लियर? बिकॉज भाई आज सिर्फ एनेट टर्म पे प्रॉब्लम करेंगे अपन, एनेट टर्म किस तरह से निकाल रहे हैं, ताकि ये एन निकालना आपको आ जाए, सम ऑफ एन टर्म कल परसों करेंगे। इसमें देख लो अगर कोई डाउट आया। हो गया ये? तो ये इस तरह से होगा भाई कि आपका मतलब कुल मिला के बात ये है कि बेटा अपन यदि ये सोचे कि हमें ये भी नहीं करना पड़े तो ये तो करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स है तो कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब हम ये नहीं सोच सकते कि देखते हमें आंसर पता लग जाए, ये इस टेंडेंसी से चलना ही नहीं है, थोड़ा बहुत तो सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा भाई, मैथमेटिक्स है, थोड़ा बहुत तो आप चापा लाइन तो सोल्व करोगे ही सही ना, उसके अलावा तो आप बोल ही नहीं सकते कि नहीं करना। अगला लिखो,
देखो विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी थ्री फिफ्टीन ट्वेंटी सेवन थर्टी नाइन एंड सो ऑन विल बी 152 मोर देन इट्स 54 टर्म. दिस टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म. अब मैं तुम्हें इसमें ट्रिक बता रहा हूं सोल्व नहीं करना. बेटा कॉमन डिफरेंस कितना है, 152 को 132 है ये बेटा, 132 को 12 से डिवाइड करो. हो गया इसका मतलब 65 टर्म वो है जो कि 154 टर्म से 32 जाता है. नहीं समझ में भाई 132 ज्यादा है तो 132 कितने कॉमन डिफरेंस से बना, 11 कॉमन डिफरेंस से बना, मतलब 11 टर्म ही तो ज्यादा है, 54 टर्म तो है ही है, उससे 132 ज्यादा है, तो 132 में कितने कॉमन डिफरेंस इंक्लूड है, 11, तो 54 प्लस 11 65 मेथड बता देता हूँ, लेकिन मेथड लिखने का क्या मतलब है, अपन तो डायरेक्ट ट्रिक की बात कर रहे हैं भाई. सीधी सीधी बात है, 132 ज्यादा है तो 132 डिवाइड बाय जितना कॉमन डिफरेंस वो कर लो, 11 आ रहा है, मतलब 11 टर्म में और जाते हैं तो 11 टर्म हमने इंक्लूड ऐड कर देंगे. बस एक और करो इसी टाइप का, फिर मैं मेथड बता दूं. This term of the arithmetic progression, which term of the arithmetic progression 8, 14, 20, 26 and so on will be 72 more than its 41st term. बोलो भाई 50 बिल्कुल सही है. कॉमन डिफरेंस कितने का है, 6, तो 72 डिवाइड बाय 6 12 प्लस 41 कितना टर्म आ गया, आया समझ में आप बिल्कुल. ये ट्रिक अब जब हम 10th क्लास में करवाते हैं इसको, तो 10th में किस तरह से करवाते हैं आप देखो पूरा मेथड. मैं मानता हूं कि भाई एनएट टर्म ज्यादा है, मैं मान लेता हूं कि एनएट टर्म जो है 54 जैसे 132 ज्यादा है, पहला वाला कर रहा हूं 54 टर्म्स, तो फिर हम लिखते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी पूरा 132 प्लस a प्लस 53 डी, a से a कैंसिल हो गया, d की वैल्यू रखते हैं फिर 12, 132 प्लस 53 इंटू 12 एन माइनस 12. अब इस पूरे को सोल्व करेंगे तब जाके एन की वैल्यू क्या आएगी, इसमें 12 कहां से, सेवेंटी टू को 6 से डिवाइड नहीं, कॉमन डिफरेंस कितने का, अरे कॉमन डिफरेंस कितने का, 6 का है, आपका टोटल कितना ज्यादा है, तो 72 को कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दो, कितना बचा 12 आ गया, तो 12 आने के बाद उसको ऐड कर दो. अब इसको सोल्व करोगे तब जाके n इक्वल टू 65 आएगा. अरे सोच थोड़ा सा, सोच क्या बोला वो, नहीं ऐसा क्यों करा वो सोचो भाई. ट्रिक आपने ऐसे सोच लिया मतलब कि ऐसा करेंगे तो भूल जाओगे, ऐसा क्यों कर रहा वो समझो ना भाई. ऐसा इसलिए किया उसने, बोला 54, आपकी जो भी 54 टर्म उससे कितना ज्यादा, 132 ज्यादा, तो 132 54 के बाद 55 में कितने का डिफरेंस होगा, 6 का डिफरेंस होगा, तो 6 का डिफरेंस होगा तो 132 में कितने डिफरेंस ज्यादा,
मतलब कितनी टर्म आगे बढ़ रही है, 12 टर्म आगे, कितनी 11 टर्म आगे बढ़ रही है, तो 11 ऐड कर दो 54 टर्म हो गई। ऐसा इसलिए कर दो, आपका ये बोल रहा है कि 72 ज्यादा है, कि कौन से टर्म से, 41 टर्म से, तो 72 कितने टर्म को मिलकर बनेगा, 12 टर्म से मिलकर बनेगा, क्योंकि एक का कॉमन डिफरेंस 6 का है, तो 12 टर्म आगे चली गई, इसलिए आपने 12 ये लो। और अभी बनाया है ये पहली बार, किसी बार नहीं बताया, अभी जस्ट मेरे दिमाग में आया कि ऐसे कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगी। चलिए भाई आज के लिए एपी में इतना ही, इसकी आज मैं इवनिंग में भेजूंगा। चलो आ जाइए प्रोबेबिलिटी, तोड़ दो तोड़ तोड़ दो तोड़ प्रोबेबिलिटी मैं बात कर रहा था इंडिपेंडेंट इवेंट, कल अपन ने स्टार्ट ही किया था और उसको अपन कुछ और डिस्कस करने लग गए थे, लेकिन जो भी चीज डिस्कस किया था अच्छा किया था, इंडिपेंडेंट कब या इंडिपेंडेंट इवेंट। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि यदि कोई भी दो टर्म इंडिपेंडेंट है तो उसका पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगा, ऐसा लिखो, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यदि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगा। यदि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगा। क्यों पी ए इंटू पी बी के इक्वल होता, वैसे पी ए इंटू पी बी के इक्वल नहीं होता था यदि डिपेंडेंट इवेंट है। डिपेंडेंट में क्या होता था याद है, जैसे पी ए इंटरसेक्शन बी है तो आप बोलते थे ए के होने की प्रोबेबिलिटी, फिर आप बोलते थे बी के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि ए हो चुका है। ये आपका कौन सा इवेंट है, डिपेंडेंट इवेंट, ये डिपेंडेंट इवेंट के लिए होता था पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बाई ए, लेकिन आपका यदि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो बी डिपेंड करेगा ही, तो पी ए इंटू पी बी। इसी तरह से पी ए बट नॉट बी, यदि इंडिपेंडेंट है तो बेटा पी ए इंटू पी बी बार, पी बी इंटरसेक्शन ए बार, इंडिपेंडेंट है तो पी बी इंटू पी ए बार, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंडिपेंडेंट है तो पी ए बार इंटू पी बी बार, और पी ए यूनियन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यदि ए बी सी तीनों इंडिपेंडेंट है तो कल भी बताया था, एक प्रॉब्लम पूछा था आपने, याद करो आपने एक प्रॉब्लम पूछा था कि ए बी सी आपको मॉड्यूल की प्रॉब्लम थी, यदि ए बी सी आर इंडिपेंडेंट तो आपका पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, ये सारी चीजें लिख लीजिए। और इस पे प्रॉब्लम आ चुका है कि भाई यदि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो कौन सा सही है, तो ये भी सही है, ये भी जहां तक इंटरसेक्शन आ रहा सब मल्टीप्लाई में चला जाए यदि इंडिपेंडेंट है। ठीक, कौन सा गाना, कौन सा गाना, कौन सा गाना, अच्छा भजन गा रही है।
एक भजन संध्या रख लेते हैं अपन। और क्या, भगवान का नाम भी लेना जरूरी है यार, जागरण के। कर लो होलिका कीर्तन, होलिका कीर्तन बढ़िया है। फिर क्या, अरे फिर मानसी क्या डांस करेगी देखिए उसको। अब सुनो मेरी, कितना बढ़िया डांस करती है ये। और मेरा वो वाली बात नहीं निकाल लोगे आप वो देखा, वो उसमें वो आदिवासी करते हैं क्या क्या बोलते हैं वो, चलो लिखो, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इस चीजों से बचने के लिए अभी तो मेरे दुकान में तो बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे इन डालूंगा मैं तेली। अरे तो मैं बहुत सारी चीजें भी डाल दूंगा, इसका एक ही तरीका है, रोजी ने एक थर्मस लाया कर, उसमें चाय लाया कर मेरे लिए। If A and B are independent events, चलेगा तो खूब। देखो, PA equal to 1 by 3, PA union B equal to 3 by 4, then find PB. यदि A और B independent events हैं, तो हमें पी ए गिवन है, पी ए यूनियन बी गिवन है, लेकिन पी बी नहीं गिवन है, पी बी निकाल। अब ए और बी यदि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो पहले तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला बताएंगे भाई, कोई कौन बता रहा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी, बेटा इधर देख लो आप, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, पी ए इंटू पी बी, क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट, पी ए यूनियन बी। अब वैल्यू रख दो भाई, 3/4 1/3 प्लस पी बी माइनस 1/3 पी बी, ऐसा होगा। ये 1/3 को उधर ले आओ, पी बी माइनस 1/3 पी बी हो गया 2/3 पी बी। इसको सोल्व कर लो,
कितना हो गया 5/12 इक्वल टू 2/3 पीबी। तो पीबी की वैल्यू आ गई आपकी 5/8। ये हमारी पीबी की वैल्यू है। इस तरह से करने का मेथड यही है, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसलिए पी ए प्लस पीबी, पी ए इंटरसेक्शन बी को आप क्या लिख लोगे, पी ए मल्टीप्लाइड बाई पीबी। पी ए की वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 प्लस पीबी माइनस 1/3 पीबी सोल्व कर लेंगे, पीबी की वैल्यू निकाल। क्लियर है? If A and B are mutually exclusive events, तोड़ दो, mutually exclusive events, P A union B equal to 3/4, बेटा प्लीज पढ़ाई में ध्यान दे दो, ज्यादा अच्छा है। P A equal to 1/3, then find P B. यदि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो दूसरे तरीका सेम प्रॉब्लम, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, पी ए यूनियन बी गिवन है, तो आपको पी ए गिवन है तो पी बी निकालना। निकालना है 5/12 ही आएगा, बिल्कुल सही। पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और यदि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो बेटा पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो पी ए यूनियन बी हो गया आपका 3/4, 1/3 प्लस पी बी, वो तो जीरो हो गया, तो पी बी की वैल्यू आ गई 3/4 माइनस 1/3, 5/5। दोनों केस आपको याद रखने हैं, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक आपका इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट, for two events A1 and A2, for two events A1 and A2, PA1 equal to 2/3, PA2 equal to 3/8, or PA1 intersection A2 equal to 1/4. देन पहला ऑप्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन A1 A2, देन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव A1 A2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट इंडिपेंडेंट,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? पहले ऑप्शन के बारे में पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जीरो नहीं है, इसका मतलब ये आंसर गलत है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है ये तो पक्का। बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट, ये भी गलत हो गया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट, ये भी हमारा गलत हो गया। सी इंडिपेंडेंट बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कैसे पता तुम्हें? नहीं तुम्हें कैसे पता कि ये सही है भाई? आपको कैसे पता लगा कि ये इंडिपेंडेंट है? ऐसा कुछ नहीं है म्यूचुअली, ये कोई जरूर नहीं है कि यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो इंडिपेंडेंट होगा। अब सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट केस बता रहा हूँ, समझो, मैंने बता चुका हूँ लेकिन तुम भूल रहे हो। यदि कोई भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है बेटा? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा? 1/4 आ रहा, किसके इक्वल आ रहा? इसलिए ये नहीं आता तो नहीं होता, बिकॉज पी ए इंटू पी वन पी टू ए टू 2/3 × 3/8 इक्वल टू 1/4 एंड इक्वल टू पी ए वन इंटरसेक्शन ए टू, सो दिस इज इंडिपेंडेंट बट नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। तो आंसर क्या हो गया? सी। आई बात समझ में? कनक समझ में आ रहा है? कनक क्लास में है ना? यस सर, यस सर। तो इंडिपेंडेंट है लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ये इस तरह की प्रॉब्लम बहुत बार पूछी जा चुकी है कि वो पूछेगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए तो सीधा सीधा कंडीशन, इंटरसेक्शन किसके इक्वल होना चाहिए? जीरो। इंडिपेंडेंट के लिए क्या कंडीशन है? दो इवेंट का प्रोडक्ट उसके इंटरसेक्शन के इक्वल होना चाहिए, तभी इंडिपेंडेंट होगा वरना नहीं। नेक्स्ट एक चीज और ध्यान रखना, ये वाला केस बहुत ज्यादा यूज में आएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट में सबसे ज्यादा यूज में आता है पी एटलीस्ट वन, कोई भी कम से कम एक के निकालने की प्रोबेबिलिटी, वन माइनस पी नन। अभी आपको निकालना है कि कम से कम में एक के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप क्या निकालोगे? वन माइनस एक के भी नहीं होने की, किसी के भी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हटा दो तो कम से कम एक तो होगा इससे। अब इसको समझाने की ट्राई करते हैं कि ये क्या है। P at least one equal to one minus P none। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि तीन स्टूडेंट है एबीसी, इनके क्लास में आने के कितने केस हो सकते हैं? ए आएगा, ये दोनों नहीं आएंगे, इतने केस बन रहे हैं। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि कम से कम एक जना आ रहा है, मतलब कम से कम एक जना आ रहा है, मतलब ये सारे केस ये निकालना, तो या तो ये सब निकाल, या टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? वन में से किसको हटा दो? तीनों नहीं, वही तो लिखा है। तो वन माइनस पी नन मतलब कम से कम एक के आने की, इसलिए ऐसा करो। समझ में आ गया कंसेप्ट क्या बोला मैंने? ठीक है, लिखो अप्रोच। अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू थ्री स्टूडेंट्स। And probability of solving by them
1/3, 1/4, and 1/5 respectively. Find the probability that first problem is solved. Second, exactly one of them solves the problem. Third, at least two solve the problem. Fourth, at least one solve the problem. चलो लिखो ये चारों बस फिर एक एक करके डिस्कस करो. Problem is solved. Exactly one of them solves the problem. Exactly or at least two will solve the problem. Or at least one solves the problem. बेटा एक ही सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी तो नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 तीनों निकालो. ये पी ए बार पी बी बार पी सी बार हो. अब पहला वाला बोल रहा प्रॉब्लम इज सॉल्व. वरुण प्रॉब्लम इज सॉल्व मतलब कोई नहीं बोलेगा और अभी सबसे पूछे इसका क्या मतलब है. प्रॉब्लम इज सॉल्व मतलब जैसे तुम तीन जने हो मैंने तुम तीनों को प्रॉब्लम दी मैं बोल रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इसका क्या मतलब है. अरे कुछ सोच तो सही मैं तो बिना सोचे थोड़ी काम चलेगा. इसका मतलब कौन कौन कर लेगा प्रॉब्लम को. तीनों कर ले ये तो एक केस हुआ भाई प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए. मेरे को तो प्रॉब्लम सोल्व चाहिए. या तो तुम तीनों में से कोई भी कर ले या तो एक कर ले या दो कर ले या तीनों कर ले. ये तीन केस बनेंगे कि नहीं बनेंगे. तो कौन सा बचा जिसमें तीनों ने सॉल्व किया. मतलब प्रॉब्लम इज सोल्व का मतलब होता है सुन लो प्रॉब्लम कम से कम एक जना सोल्व करेंगे. प्रॉब्लम इज सोल्व मतलब फर्स्ट केस और आपका लास्ट केस सेम. मैंने जबरदस्ती लिखा प्रॉब्लम इज सोल्व मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम. इसका मतलब ये होता है प्रॉब्लम सोल्व होने का मतलब है कि कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व कर ले मतलब कम से कम एक जना प्रॉब्लम को सोल्व कर ले. तो फर्स्ट और फोर्थ सेम प्रॉब्लम. तो पी ए लिखो पी प्रॉब्लम इज सोल्व. पी प्रॉब्लम इज सोल्व इसका मतलब 1-P none of them none of solves मतलब ए भी नहीं सोल्व कर रहा बी भी नहीं कर रहा और सी भी नहीं कर रहा. ऐसे 1-2/3, 3/4, 4/5 3/5 आंसर आ गया. तो फर्स्ट और फोर्थ दोनों का मतलब एक ही फर्स्ट एंड फोर्थ वाला पार्ट. फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट दोनों का मतलब एक ही. प्रॉब्लम इज सॉल्व मतलब कोई भी एक जना उस प्रॉब्लम को सोल्व कर ले. कोई भी एक जना प्रॉब्लम को सोल्व कर ले.
देखो ये तो हो गया फर्स्ट का, सेकंड, अब बेटा सेकंड तो बोलना तो पड़ेगा, एथिक एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब केवल एक जना सोल्व करे, इसका मतलब सोचो तीन केस बने, जैसे तुम तीनों है, एथिक ने कर ली बाकी दोनों नहीं की, तो एक ने की प्लस तुमने कर ली इन दोनों ने की प्लस उसने कर ली, अब ऐसा मत करना कि सर तीनों से कर ले तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, ये यहाँ ऐसे नहीं लगता क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है भाई। जैसे कुछ लोग क्या सोचते हैं कि सर प्रॉब्लम इज सॉल्व, ए ने कर ली या बी ने कर ली या सी ने कर ली, तो बेटा तुम्हारा साथ ये बाकी दोनों भी है, हमें इन दोनों को भी साथ के साथ लेके चलना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट क्या करता है, गलती क्या होती है समझो, मैंने बोला प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो स्टूडेंट बोलते हैं सर या तो ए कर ले या बी कर ले या सी कर ले, वो ये करके बोल देता, ये गलत, ये गलत, क्यों? क्योंकि आप प्रॉब्लम कितने जनों को दिया है, क्या तीन जनों को, तो आप तो ये अकेले की बात कर रहे हो, बाकी दोनों ने क्या किया पता थोड़ी है आपको, तो ये चीज समझनी पड़ेगी आपको। यदि आपके साथ और जने भी हैं काम करने वाले तो आप उन दोनों को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, आप उन दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, उन्होंने क्या काम किया है या नहीं किया उसको साथ के साथ लेके चलना पड़ेगा कि प्रॉब्लम इज सॉल्व। भाई ऐसा नहीं कि ए ने कर ली या बी ने कर ली या सी ने कर ली, ऐसा नहीं चलेगा, आई बात समझ? तो इसका मतलब सेकंड वाला का केस क्या हुआ, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली वन मतलब ए ने किया तो बी ने नहीं किया होगा, सी ने नहीं किया होगा, ए ने नहीं किया बी ने किया सी ने नहीं किया होगा, या ए ने नहीं किया बी ने भी नहीं किया और सी ने किया होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब जो भी आंसर आ रहा है वो तो मैंने बना के बोला, अब तुम चेक कर लो, मैंने तो क्वेश्चन बना के बोला, 1/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5, कभी भी सिंप्लीफाई नहीं करते हैं बेटा, ये एक प्रोबेबिलिटी का आप ध्यान रखना भाई, आप सिंप्लीफाई करने के चक्कर में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे। नीचे का सबका डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, ऊपर 7, 12 + 8 + 6, 30 कितना आ रहा था भाई, क्या बोल रही थी बेटा? हाँ? छब्बीस 13/30 लेकिन काटा मत करो, मैं अभी बार बार बोल रहा हूँ मत काटा, नीचे डिनोमिनेटर सबका सेम है ना, क्यों कर रहे हो, क्यों कैलकुलेशन ज्यादा कर रहे हो भाई, आप ऐसे करोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा ही होगी। थर्ड केस, एटलीस्ट टू ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब या तो दो करेंगे या एटलीस्ट टू ऑफ देम का मतलब या तो दो करेंगे या तीन करेंगे, तो ए करने क्या बी ने क्या सी ने नहीं किया, केस बनेगा इसे, बी ने नहीं किया सी ने किया, ए ने नहीं किया बी ने किया सी ने किया, या तीनों ने किया, या तीनों ने, ए ने किया कितना, ए के करने की प्रोबेबिलिटी, बी के 1/4 और सी ने नहीं किया 4/5, ए ने किया बी ने नहीं किया 3/4 1/5, ए ने नहीं किया 2/3, बी ने किया सी ने किया और तीनों ने किया, नीचे तो 60 आ रहा, 4 + 3 + 2 + 1 = 7 - 9 1/6 आ गया, ठीक है।
वन बाई सिक्स लिख लिया। नेक्स्ट देखो, अ ब्रदर एंड हिज सिस्टर, अ ब्रदर एंड हिज सिस्टर अपीयर्स इन एन इंटरव्यू. A brother and his sister appears in his interview for two vacancies for the same post. Ab aadmi likha ethic degree. जाते हो या तुम जल्दी? मतलब कुछ लोग तो जब से आए जब से उपाधियां ले रहे हैं. अब कौन तो उसको पता है कौन ले रहा है. तो दो मिनट के लिए भी नहीं रुकी. इसका मतलब किसको बोल रहे हो? मतलब समझ गया ना. मिली सो आते या आते क्या कर रही थी यहाँ पर? आधे घंटे तक तो तू बस ले रही थी यार. इसका मतलब फोटो खींचना पड़ेगा तुम्हारा. अब मानोगे तुम? देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ brother's selection is 1/7 and probability of sister's selection is 1/5. The probability that find the probability that both are selected. Both are selected. Second, only one of them is selected. And third, none of them is selected. ये problem आ चुका है भाई. अब तीनों पूछा था एक ही question. One of them selected. Both are selected. Only one of them is selected. एक मार्क. बिल्कुल. दो साल पहले की प्रॉब्लम बेटा. पहले वाले का आंसर तो वैसे बोल दो 1/35. बिल्कुल सही है. बहुत सारा सिलेक्ट है मतलब 1/7 इंटू 1/5. दूसरे का कौन बताएगा? पूजा. ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्ट मतलब क्या केस बनेंगे? तो सिस्टर सेलेक्ट होगी तो ब्रदर नहीं होगा. ये नहीं होने की सेल्फ प्रोबेबिलिटी होगी. और ब्रदर नहीं हुआ तो सिस्टर सेलेक्ट होगी. 10/ बिल्कुल सही. और नन ऑफ देम इज सेलेक्टेड 6/7 इंटू 4/4.
तो इजी था प्रॉब्लम नहीं। आप जो बोल रहे हो ना वन माइनस, वो तो अलग चीज हो गई। ये हो गया नन ऑफ देम इज सिलेक्ट, मतलब दोनों सेलेक्ट नहीं हो रहे। और जो तुम बोल रहे हो वन माइनस जो सेलेक्ट हो रहे हैं, दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं, तो उसमें दो केस रह जाएंगे आपके, एक सेलेक्ट हो रहा है एक सेलेक्ट नहीं हो रहा, फिर तो आपका गड़बड़ हो गया मामला। ऐसा नहीं करेंगे वन माइनस की नन ऑफ देम इज सेलेक्ट इज मतलब वन माइनस बोथ ऑफ देम सेलेक्ट, गलत हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद लास्ट बोलो और फिर हम स्टार्ट करेंगे लॉजिकल रीजन। बेटा जितनी जल्दी हो जाए ना ज्यादा बढ़िया, मैं ये चाह रहा हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर, जल्दी जल्दी मतलब टाइम देके तुम्हें जल्दी करवाऊंगा। फिर क्या तुम उतना ही कंफर्टेबल फील करोगे जब दो तीन बार पढ़ लोगे। लिखो फिर अगला। ए इज फिक्स्ड ट्रुथ, ए इज फिक्स्ड ट्रुथ इन 70% ऑफ केसेस एंड बी इज फिक्स्ड ट्रुथ इन 90% ऑफ द केसेस। भाई तुम्हारे ऊपर बन जाए जैसे हिमांश जी के ऊपर बन गया, हिमांश जी स्पीक ट्रुथ इन 0% ऑफ द केसेस। सच 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 A speaks truth in 70% of the cases and B speaks truth in 90% of the cases. In what percentage of cases they are likely to contradict each other in stating the same fact? Contradict each other in stating same fact. A speaks truth in 70% of the cases, B speaks truth in 90% of the cases. In what percentage of cases they are likely to contradict each other? But contradict करने का मतलब क्या होगा? एक सच बोल रहा है तो दूसरा झूठ बोल रहा है, और दूसरा सच बोल रहा है तो पहला जो भी है। तो देखो ए सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 70/100, बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 30/100 इंटू, तो बेटा ये आ गया 7+27/100। मतलब 34% केस में ये एक दूसरे को क्या करेंगे? कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। 34% केसेस में ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट। कोई दिक्कत बेटा? एक प्रॉब्लम तो पक्का आएगी आपकी इंडिपेंडेंट में, और आती है, इस बार भी आई है, पिछली बार भी आई है, हर बार आती है। तो प्रॉब्लम अगली क्लास में करवाएंगे परसों सैटरडे को, टेस्ट मंडे को, संडे को इसलिए नहीं ले रहे कि अभी सब रहेंगे नहीं, वो ये भी नहीं रहेगी कनक तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मंडे को लेंगे। मंडे को है ना टेस्ट, संडे को तो क्लास है, और सुबह जल्दी रहेगी संडे को क्लास 8 बजे। आठ बजे 8 से 10। अरे क्या करना, देखो डायरेक्शन सेंस
भाई पहला कंसेप्ट मैंने आपको बताया, पहले तो आप ये देखो डायरेक्शन सेंस में कितनी डायरेक्शंस होती है, नहीं चार, आठ होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, क्लॉकवाइज राइट, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट, बस पहली टाइप की प्रॉब्लम है एंगल वाली। कैसे पूछी जाती है एंगल वाली समझो, ए पेसेस टुवर्ड्स वेस्ट, ही टर्न्स 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन टू 25 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड फाइनली 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड फाइनली 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, इन विच डायरेक्शन, इन विच ही इज फेसिंग नाउ, कौन सी डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है, पहले आपको जितना पता है उसके बारे में बताओ, फिर मैं बताऊंगा, जो भी करना है कर, आप आंसर बताओ बस, नॉर्थ वेस्ट, मुझे आंसर याद नहीं, मैंने तो बना के बोला, मैंने अभी सोचा भी नहीं है, आप बोलो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, दो आंसर आ गए और बोलो। नॉर्थ ईस्ट, अब कैसे क्या, इधर देख लो जो पहली बार पढ़ रहा है बेटा, यहाँ हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज को प्लस मानेंगे, जब भी एंगल वाली प्रॉब्लम आएगी वरुण सुन लेना बेटा, जो पहली बार पढ़ रहा है क्लॉकवाइज को प्लस मानेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस मानेंगे, ये क्लॉकवाइज था ये क्लॉकवाइज था, तो कितना डिग्री हो गया क्लॉकवाइज, माइनस कितना हुआ एंटी क्लॉकवाइज 135, तो आया कितना 135 प्लस का आया मतलब क्लॉकवाइज, अब ये आपका ये रहा वेस्ट, क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में 90 और 45, कौन सी डायरेक्शन में चला गया भाई, नॉर्थ ईस्ट आया, ऐसे देखिए जितनी भी एंगल वाली प्रॉब्लम है सब ऐसे देखिए, पढ़ लेंगे, लिखो taking clockwise as positive and anti-clockwise as negative, वैसे लिख लेना जिसको लिखना, taking clockwise as positive value and anti-clockwise as negative angle, जो भी, और उसके हिसाब से सोल्व कर लीजिए, तो हमारा पॉजिटिव एंगल आ रहा है 135 डिग्री, तो फाइनली 135 डिग्री मूव कर लेना आप जहां से ओरिजिनल पोजिशन है क्लॉकवाइज, तो आपका आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट, क्लियर है,
तो ये तो पहले टाइप की प्रॉब्लम है जो एंगल को पूछी जाएगी आपसे। कमेक्ट, ये समझ में आ गया? क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव वैल्यू, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव वैल्यू, सोल्व कर लेना। फाइनली आपका 135 डिग्री प्लस का आ रहा है, मतलब क्लॉकवाइज जा रहा है, तो वेस्ट से क्लॉकवाइज जाएगा 135 डिग्री, तो वो नॉर्थ ईस्ट में जाएगा। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, One morning Sujata started to walk towards the sun. One morning Sujata started to walk towards sun. After covering some distance. She turned to right. And after covering some distance, she again turns to right. Then after finally she turned to left. In which direction she is facing now? North, south, east, west. यस, आंसर इज करेक्ट, साउथ आएगा। क्यों आएगा अभी बता रहा हूं। वन मॉर्निंग सुजाता स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स सन। सन किधर की तरफ उगता है? ईस्ट, मतलब वो ईस्ट की तरफ जा रही है, उसके बाद उसने कौन सा टर्न लिया? राइट, मतलब क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज नीचे की तरफ गई, क्लॉकवाइज। मैंने क्या बोला? हमेशा क्लॉकवाइज मतलब राइट टर्न। बेटा बहुत इजी पड़ेगा, ऐसे देखा करो, क्लॉकवाइज ऐसे। फिर अगेन सी टर्न राइट, राइट मतलब अगेन क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, नीचे चली गई। और नीचे जा रही है तो कौन सी डायरेक्शन है? ऐसे करो, ठीक है, बना लीजिए। भाई तीन कंसेप्ट आते हैं, एक मैंने एंगल वाला आता है, एक ये वाला आता है, तो वो डिस्टेंस वाला तो इसी में मेजर हो जाता है। वो तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है कभी कभी, वो भी करवा देता हूँ अभी। और एक आता है आपका सनराइज सनवेस्ट सनसेट वाला, सेट ओवर, ठीक है, वो भी करवा देता हूँ। बस ये तीन कंसेप्ट है और फिर हमें प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है डायरेक्शन से। क्या है कि अभी बीच बीच में ऐसे चैप्टर, एक एक चैप्टर करवाते जाएंगे ना, तो फिर आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी हर टेस्ट में, फिर हर टेस्ट में प्रैक्टिस होती रहेगी। ये सबसे बढ़िया तरीका है, इस टेस्ट में भी दे देंगे ये। हाँ, पांच क्वेश्चन दे दे, पांच। अरे इजी रहेगा बेटा, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, पांच क्वेश्चन दे देंगे।
Go next. इसके बाद ब्लड रिलेशन कर लेंगे ताकि आपको जो दिक्कत आ रही है वो कंप्लीट हो जाएगी. आज ही कर लो, मेरे को कहाँ दिक्कत आ रही है. आदित्य वो 20 meter towards north. 20 meter towards north. Then he turned right and walks 30 meters. Then he turns right and walks 35 meters. Then he turns left and walk 15 meters. Finally, he turns left. He turns left and walk 15 meters. In which direction or how many meter is he from the starting point? In which direction and how many meters is he from the starting point? हमसे क्या रहा तुम्हारा? कितने में? किस में? किस डायरेक्शन? इसको सही. ओनली इसको उसने दे रखा, मैंने नहीं निकाला. अब देखो ये पॉइंट है, कितने मीटर गया भाई? 20 meters. Then he turned right. कितने मीटर गया? 30 meters. Again turn. कितने मीटर गया? अब 20 तक तो यहाँ चल गया, 15 नीचे आ गया. पंद्रह मीटर और आ गया. फिर finally he turns left. इस direction में जा. एक बार लेफ्ट जा रहा है तो फिर उसने आ गया. कोई बात नहीं. कौन सा? ये तो लेफ्ट है. एक सेकंड आएगा. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैंने बोला, आप तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखो. आप तो ऐसे जा रहे हो तो ये क्लॉकवाइज है, और ऐसे जा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज. कितने मीटर गया एंटी क्लॉकवाइज? 50 meters. Finally turns left. 15 meters. तो ये 15 meters यहाँ आ गया. ये आ गया आपका यहाँ पर. अब कितना डिस्टेंस है पहले से ये देखते हैं. 30 और 15 45 होगी. और बेटा ईस्ट में तो है, सही तो है. वो क्या लिखा मैं थी? 45 मीटर ईस्ट की तो है, सही तो बोला उसको. 45 मीटर ईस्ट. अरे ये बनाना आ रहा है सभी को? हातिम क्या दिक्कत आ रही है बोलो. अरे बाप इधर देख, तू यहाँ पर है. पढ़
मतलब नॉर्थ मतलब ऊपर कितने मीटर, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ से क्या जा रहा है वो राइट, मतलब इधर की इधर, इधर क्लॉक वाइज कितने मीटर, 30 मीटर के। अब यहाँ से राइट मतलब नीचे कितने मीटर, तो 20 मीटर तो ये कवर हो गया और 15 मीटर और आ गया यहाँ आ गया। अब यहाँ से बेटा राइट होता तो इधर जाता है, लेफ्ट उधर कितने मीटर, 15 मीटर। इसके बाद लेफ्ट मतलब ऊपर की तरफ, यहाँ तक आ गया, ये 15 मीटर कवर हो गया। अब ये डिस्टेंस, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 30 तो ये और 15 ये 45, और कौन सी डायरेक्शन में, यहाँ से ईस्ट में। किसको दिक्कत 45 मीटर ईस्ट, किसको दिक्कत, नेक्स्ट देखो। अरे रोजिना चाचा पापा क्वेश्चंस कर लेंगे वैसे क्लियर हो जाएंगे, उसमें क्या है कि अलग से करने की जरूरत भी नहीं होगी, थोड़ा सा आपका मूड फ्रेश भी हो जाएगा अलग अलग टॉपिक करने। रोजिना अभी का अगली क्लास में भी कर लेंगे। अ मेन वॉक्स, भैया आज मैं सारे कंसेप्ट बता देता हूँ बस फिर प्रैक्टिस करनी। अ मेन वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, then he turns to east, then he turns to east and walks 10 kilometers. After this, he turns to north and walks 3 kilometers. Again he turns towards west, east. Again he turns towards east and walks 2 kilometers. How far is he from the starting point? Starting point. बनाओ, जागते रहो, बोलो कितना कितने किलोमीटर डिस्टेंस पर है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है भाई, कितने किलोमीटर गया ऊपर, फिर किधर गया, मुंह किया 10 किलोमीटर, फिर नॉर्थ कितना, बस अच्छा ईस्ट कितना, 2 किलोमीटर। अब देखना इधर, ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, बोलो 12 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर। तो मुझे ये निकालना, कितने किलोमीटर, 13 किलोमीटर आया, 13 किलोमीटर गया। टोटल डिस्टेंस निकाल लिया करो पूरी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल।
आपको डायरेक्ट वो निकालनी है 13 किलोमीटर। पाइथागोरस थ्योरम, चलिए अब लिखो सनसेट सनराइज, सनसेट सनराइज। प्रॉब्लम बाकी कल करवाएंगे, अभी सिर्फ आइडिया दे रहा हूं मैं एक एक टाइप से, बाकी कल करेंगे सब। कल क्या मतलब नेक्स्ट क्लास में, परसों, परसों का टाइम वापस से 8 से 10, 10 क्या 10:30 ही कर दो क्योंकि उस दिन मैं फ्री हूँ, मतलब उस दिन मेरी वहां पर क्लास नहीं है, तो 8 से 10:30 करेंगे ऐसी बिल्कुल जैसे आज किया। और आज इवनिंग का टाइमिंग 4 to 5:30, जिसमें कॉम्बिनेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद सैटरडे से हम स्टार्ट कर देंगे कोरिलेशन रिग्रेशन। इवनिंग वाली क्लास ऑनलाइन चल जाएगी, जिसको करना है ऑनलाइन चल जाएगी, मॉर्निंग में नहीं चलेगी, वो हमेशा के लिए भी कर सकते हैं ऑनलाइन। इवनिंग वाली रिवीजन क्लास, मेन क्लास नहीं करेंगे, रिवीजन क्लास आपको रिवाइज करना है तो ऑनलाइन कर सकते हैं। बोल रहा था मैं सनसेट सनराइज, सनसेट सनराइज, सन किधर की तरफ, शैडो इधर, सनराइज शैडो, जो नॉर्थ की तरफ देख रहा है उसका लेफ्ट हैंड इधर रहेगा और राइट हैंड इधर रहेगा, बस ये याद रखो, जो नॉर्थ की तरफ देख रहा है उसका लेफ्ट हैंड इधर रहेगा और राइट हैंड इधर। और वैसे भी एक चीज समझो, यदि आपको लेफ्ट राइट भी नहीं समझ में आता तो मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हो, ये रहा नॉर्थ, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो लेफ्ट आएगा इधर, लेफ्ट हैंड आएगा, और ये क्लॉकवाइज है तो इधर राइट हैंड आएगा, मतलब आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत, बस ये कंसेप्ट याद है, हो गया पूरा प्रॉब्लम ही हो गया। अब जैसे मैं एक प्रॉब्लम लिखवा रहा हूँ, लिखो, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, मैंने क्या बोला, जो सिर्फ नॉर्थ की तरफ देख रहा है उसका नॉर्थ से ही आप दूसरे को निकालो, उल्टा, मतलब आप ऐसे नहीं कि सर वो तो साउथ की तरफ देख रहा था तो मैं क्या करूँ, पहले नॉर्थ वाले को देखो, जिसका नॉर्थ वाला है उसका लेफ्ट हैंड आपका हमेशा किधर की तरफ आएगा, शैडो की तरफ आएगा। देखो टू पर्सन ए एंड बी, टू पर्सन ए एंड बी आर टॉकिंग टू ईच अदर वन मॉर्निंग, टॉकिंग टू ईच अदर वन मॉर्निंग, टॉकिंग टू ईच अदर, वेट ज्यादा हो गया मेरा, उतना मानसी से कम में टॉकिंग टू ईच अदर वन मॉर्निंग। मैं कल लेकर आ जाऊंगा वेट, वेट मशीन ले आऊंगा, फिर मैं मेरा वेट बता दूंगा भाई, यदि मेरा ज्यादा निकल गया चेयर से तो मैं पार्टी सकता हूँ, मैं ले आऊंगा वेट मशीन, मेरा ज्यादा निकल गया, इसका ज्यादा निकल गया भाई, नहीं तुम्हारा तो फायदा, क्योंकि मुझे पता है मेरे इससे तो ज्यादा नहीं निकलेगा। ये तो लंबू है, चलो भाई देखो, वन मॉर्निंग ए एंड बी आर टॉकिंग टू ईच अदर, ए शैडो ऑफ ए इज ऑन द शैडो ऑफ ए इज इन इट्स लेफ्ट इन इट्स राइट साइड, इफ शैडो ऑफ ए इज इन इट्स राइट साइड
one morning A and B are talking to each other. If shadow of A is in its right side, then in which direction B is facing? Then in which direction B is facing? Shadow of A is in its right side, then in which direction B is facing? नॉर्थ हो। अब सुन लो, पहले सुन लो, एक मिनट। इसमें कौन से मॉर्निंग की बात हो रही थी? ए की शेडो किधर है? राइट। लेकिन यदि ए की शेडो लेफ्ट में होती तब वो नॉर्थ की तरफ देखता, तो ए की शेडो कहाँ है? राइट में। इसका मतलब ए साउथ की तरफ देख, तो ए साउथ की तरफ देख रहा है, तो बी किधर की तरफ देखेगा? नॉर्थ की तरफ। दोबारा बोल रहा हूँ, समझ लो। किसकी शेडो राइट में है? ए की शेडो राइट में है। ए की शेडो राइट में है, इसका मतलब वो साउथ की तरफ देख रहा है, क्योंकि जो नॉर्थ में देखेगा उसकी शेडो तो लेफ्ट की तरफ होगी। मैंने लिख रखा है। ए की शेडो किधर है? शेडो राइट में है, तो इसका मतलब ए किधर की तरफ देख रहा है? साउथ की तरफ। और ए शेडो ए साउथ की तरफ देख रहा है, तो बी किधर की तरफ देखेगा? बी फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ। B faces towards north। कितने लोगों को समझना है? किसको नहीं आया? बस एक ही कंसेप्ट ध्यान रखना है, नॉर्थ साउथ का मतलब शेडो का, शेडो की तरफ। और यदि किसी को लगता है कि सर हमें चेक करना है कि हमने सही बोला है कि नहीं बोला, तो इसको चेक करने का तरीका सबसे बढ़िया होता है कि जहां आप खड़े हैं उसके सामने नॉर्थ मानो। जहां आप खड़े तू जहां बैठी है उसके सामने नॉर्थ मान। मैं मेरे सामने नॉर्थ मान लिया, तो देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब यदि मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा हूं, ये शेडो है ईस्ट, तो ये रहा शेडो, ये मेरा कौन सा एंड है? लेफ्ट। तो मैं किधर की तरफ देख रहा हूँ? नॉर्थ। और यदि मेरा राइट इधर है, अब जैसे मैं घूमूंगा, जैसे मैं मूव करूंगा, तो मेरा ये राइट की तरफ आ जाएगा। किधर की तरफ? शेडो की तरफ। तो मैं किधर की तरफ देख रहा हूँ? तो साउथ की तरफ। तो साउथ की तरफ कौन देख रहा है? इसका मतलब ए। तो इतना समझाने की जरूरत ही नहीं, जो मैंने कंसेप्ट बताया बस उससे डायरेक्ट, इतना समझने की जरूरत ही नहीं है। चलिए बाकी आप कल अगली क्लास में। कुछ भी नहीं होगा, कोई फेर बदल नहीं हो सकता। हाँ, कुछ भी नहीं होता। तू तो बोल क्वेश्चन। अरे एक क्वेश्चन तू बोल के बना के बता, बी की शेडो किधर है? बी के लेफ्ट में है। किसके लेफ्ट में है? बी के लेफ्ट। तो बी नॉर्थ की तरफ देख रहा है। हाँ। तो ए किधर की तरफ देखेगा? सिंपल सी बात। किसके लेफ्ट में है? बी के लेफ्ट में है शेडो, तो बी के लेफ्ट में है शेडो, तो बी नॉर्थ की तरफ देख रहा है। किसके लेफ्ट में होगी वो हमेशा किसकी तरफ देखेगा? नॉर्थ की तरफ। तो बी के लेफ्ट में है, तो बी किधर देख रहा है? नॉर्थ की तरफ। तो ए कहाँ देखेगा? साउथ की तरफ। क्या कर नहीं, कुछ भी कर ले। हाँ, वो करता भी चेक कर रही थी कि सही है।